शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पार्षद पति बबलू पर नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरा मामला यह है कि एक और नगर पालिका के चुनाव सिर पर है, ऐसे में लोग पार्षद के टिकट के आस में कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक पार्षद के पति ने एक नाबालिग के साथ ही छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद पीड़ित नाबालिग की शिकायत के बाद देहात थाना पुलिस ने पार्षद के पति के खिलाफ छेड़छाड़ सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुरानी शिवपुरी में कल्लन शॉप फैक्ट्री के पास रहने वाली पार्षद शाइस्ता खान के पति बबलू खान ने उनके ही पास में रहने वाली एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर दी। उसके बाद देहात थाना प्रभारी सुनील खेमरिया ने केस दर्ज कर लिया है। लेकिन वहीं जब अगले ही दिन सुबह पूरे वार्डवासी देहात थाना आकर बबलू को बेगुनाह बताने का प्रयास कर रहे हैं और मौके पर SDOP सुधीर सिंह कुशवाहा भी मौके पर आ गए और मामले की जाँच की जा रही है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। कुछ लोग आए थे, कल एक प्रकरण पंडित हुआ था, फर्स्ट एक्ट का मामला कायम हुआ था, उसमें मिलजुल की तरफ से उसके परिवार वाले आए थे कि इसी तरीके से मैं हमारे यहाँ भी छेड़छाड़ हुई और घर में घुसके हुआ है, उस पर उसमें महिला का आवेदन पत्र लिया गया है, उसकी भी जाँच करके कायमी की जाएगी, कायमी की जाकर दर्ज किया गया। सर, फरियादी पक्ष का ये कहना है कि जब हमारे ऊपर केस दायर किया था तो उसमें कोई जाँच नहीं हुई थी, अब जाँच कोई जाँच नहीं हो रही, कायमी दोनों तरफ से की जा रही है। दोनों तरफ सर, पहले भी कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनसे पहले भी इस प्रकार का मामला जो महिला के खिलाफ है, तो ऐसे भी यह है कि पॉक्सो एक्ट में महिलाओं के और बच्चियों के संबंध में पूरे शासन के दिशा निर्देश से संबंधित से कार्य किया रहा है और इसमें जो भी पक्ष की अगर कोई भी अगर गलत रिपोर्ट भी होती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें शासन द्वारा सारी मान्यताएं और सब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन सारे शब्द खुले हुए हैं, FIR चालान के सभी जगह प्रकरण अगर साक्ष्य पाई जाएगी तभी कार्रवाई की जाएगी, अगर साक्ष्य नहीं पाई जाएगी तो उसमें FIR की जाएगी अगर ऐसा होता है तो। सभी वार्डवासी एक ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि पैसे का लेन देन भी कुछ था, तो अभी कुछ नहीं, अभी प्रथम दृष्टया दोनों तरफ से प्रकरण बनवे हुए, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।